जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एलएलबी के छात्रों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कुलपति को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट घोषित करने में काफी देरी की जा रही है, जिसके चलते उनका साल खराब हो रहा है। यही नहीं, पुनर्मूल्यांकन का कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। ऐसे में एलएलबी के छात्र परेशान है, लिहाजा छात्र आर पार की लड़ाई के लिए मजबूर होंगे। मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि छात्रों की जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसमें ज्ञापन में जो भी नियम के अनुसार जो भी उनके कार्रवाई करना है विश्वविद्यालय प्रशासन उसको करेगा, क्योंकि छात्रहित सर्वोपरि है। छात्रहित में हर कदम अपने लोग उठाते हैं और उठाएंगे। सर, चूंकि इनका बार बार कहना है कि हम लोग कई बार अवगत करा चुके हैं, जो भी इनकी समस्याएं आए, जो बात बताई थी इन्होंने, जो विश्वविद्यालय स्तर पर होना चाहिए उसका निदान हम लोग कर रहे हैं, जो शासन स्तर पर करना चाहिए शासन को सूचित किया जा रहा है। इसलिए सारे जो भी छात्र इसमें नियमता है सारे काम किए जाएंगे। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।